गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत नया टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। आज की क्लास है एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, तो एनर्जी के साथ पढ़ाई करनी है, पूरी एनर्जी होनी चाहिए। तो टॉपिक है एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है टॉपिक आज? एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है उसके पास दोनों तरह की एनर्जी पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। मैं वजह बताता हूं। वजह यह है, जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है पहले उसके पास एनर्जी होती है, क्या नाम है उसका? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं, हर एक बच्चा जानता है, हाफ एम वी स्क्वायर। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। सब जानते, पूरी क्लास जानती है। अब जानती है तो ये भी जानते हो गए आप कि हमने पढ़ाया था आपको घी का फॉर्मूला वेलोसिटी निकालने का, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। एक ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था वेलोसिटी निकालने का, आप देखना वेलोसिटी वाले लेक्चर में। और एक वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ाया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हमने आपको बताया था कि जो भी पार्टिकल ऑसिलेट करता है उसकी वेलोसिटी निकालने के दो फॉर्मूले हैं बेटा, एक टाइम के फॉर्म में और एक डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। बस अब दोनों फॉर्म रख दो, काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ध्यान से देखना बेटा, हाफ एम वी की जगह पे ये वाला फॉर्म रख दो, वी स्क्वायर तो पूरे का स्क्वायर रख दो, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, खत्म। कुछ तो डेरिवेशन में जानी नहीं है, बस वी की वैल्यू उठाकर रख देनी है। अब ये वाला फॉर्म रख दो, वी स्क्वायर इसको स्क्वायर करके तो ओमेगा स्क्वायर, और स्क्वायर करोगे रूट यहां से हट जाएगा। हाँ रखो, हाफ एम वी स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर रखो आप, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कहानी हो गई खत्म। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। ये हो गया बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। याद रखना, बस इसमें कुछ था ही नहीं, इसमें मैं पढ़ाऊं तो क्या पढ़ाऊं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, कुछ करना ही नहीं है। इसमें सिर्फ वेलोसिटी के दोनों फॉर्म होते हैं, दोनों को रखो, काइनेटिक एनर्जी का भी दोनों फॉर्म आ गया, खत्म कहानी, फिनिश। याद रखना है बस, अगर आपको वेलोसिटी याद है तो इसमें कुछ करना ही नहीं बेटा, कुछ है इसमें बताओ? कुछ भी नहीं है इसमें। अब यहां पर किसी ने पूछा, भाई काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी? बोलोगे सर आपने सब पढ़ा रखा है, सर हम कोई छोटे मोटे बच्चे थोड़ी, हम तो बहुत तेज बच्चे हैं, आपने पढ़ाया था काइनेटिक एनर्जी अगर मैक्सिमम हो, किसी भी चीज का अगर मैक्सिमम निकालना है इस चैप्टर में, तो जो भी फॉर्मूले में साइन कॉस आया है उसे वन कर दो, क्योंकि वो मैक्सिमम होगा, तभी ये भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, फॉर्मूला जो भी आ रहा है, इसमें कॉस को वन कर दो, जो भी साइन कॉस है अपने आप मैक्सिमम बन जाएगा। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिनिश ओवर। फिर किसी ने पूछा काइनेटिक एनर्जी मीन पे निकालो, मीन। तो बोलोगे सर जब हम मीन पे होते हैं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि जब हम मीन पे होते हैं तो उस समय डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दो तो जो बचेगा वो मीन पे आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सर प्लीज, इतने आसान आसान टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो आप, इतना आसान टॉपिक है। अब बताओ, किसी ने बोला कि भैया काइनेटिक एनर्जी उस ऑसिलेटिंग बॉडी की एक्सट्रीम पे क्या होगी? बोलोगे सर क्या बात कर दी आपने, एक्सट्रीम पे आपका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाता है। तो जैसे आप यहां पे तो वाई क्या था, यहां पे वाई जीरो था मीन पे, और जब एक्सट्रीम पे निकालोगे तो वाई क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि जब y a रखोगे तो अपने आप जीरो हो जाएगा, और ऐसे भी होना ही था। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि एक्सट्रीम पे वेलोसिटी भी जीरो हो जाती है। तो ये जो आपने देखा, ये हमने फिनिश कर दिया, ये पूरा टॉपिक जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, ये सारा का सारा टॉपिक काइनेटिक एनर्जी का था बेटा, एक बार देख लो, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां पर एक बात उठती है कि सर काइनेटिक एनर्जी तो आपने पढ़ा दिया। मैंने कहा हाँ भाई, हमने तो पढ़ा दिया आपको, अब हम आपको ये चला जाओ भाई, तो अपने जगह पे
अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा पोटेंशियल एनर्जी। आपसे कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ दे कि पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी इसकी, ऑसिलेटिंग बॉडी की। आप याद करो जब आप चैप्टर नंबर 6 में थे, मेरी वीडियो जाकर देखना, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, उसमें मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी के पीछे रीजन सिर्फ वेलोसिटी होता है, बट पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसके पीछे रीजंस कई सारे होते हैं। हाइट रीजन होता है, शेप रीजन होता है, साइज रीजन होता है, पोजीशन बदल रही है वो रीजन होता है, मतलब मैं क्या बताऊं, बहुत सारे रीजंस होते हैं पोटेंशियल एनर्जी के। तो जब जब 11th में हो, 12th में जब आओगे देखना, वहां भी कभी भी मैं किसी भी चैप्टर में किसी भी टॉपिक में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाऊंगा तो उसको नए सिरे से डिराइव करूंगा। रीजन ये है कि काइनेटिक एनर्जी के पीछे कोई डेरिवेशन नहीं है, वहां तो सिर्फ वी को रखना है और काइनेटिक एनर्जी निकाल देना है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए तो आपको एक नए ढंग से दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। इसके पीछे रीजन है कि पोटेंशियल एनर्जी के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो हम अब डिफाइन करेंगे, डिराइव करेंगे। इसका डेरिवेशन आता है पेपर में, ध्यान से देखना। आया पेपर में पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, मान लो ये आपका मीन है, ये आपका एक्सट्रीम है और ये आपका एक्सट्रीम। मान लो अभी आप इस मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे चले गए और यहीं पर आपको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालेंगे और आराम से पढ़ाऊंगा आपको, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। मान लो इस पॉइंट का नाम हम कुछ रख देते हैं, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं, क्या रख दें भाई, बी रख दीजिए, ए मत रखना क्योंकि ए रखोगे तो ए फॉर एम्पलीट्यूड है, यह छोड़ो, मैं इसको पी रख देता हूं, है कि नहीं, पी फॉर पॉइंट। मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कितने डिस्प्लेसमेंट पे, एक्स, इधर इधर डिस्प्लेसमेंट हो, जानते हो मीन से ही मेजर होता है, सुनना बड़ा अच्छा टॉपिक है। मुझे निकालनी है पोटेंशियल, मुझे निकालनी है बेटा, ध्यान से देखो, मुझे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स एट पॉइंट व्हाट पी। मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एक पॉइंट किस पे, पी पे, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट पे है, एक्स। तो आप कैसे निकालेंगे जरा समझिएगा, क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फिक्स है मात्र इकलौता फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आपने देखे होंगे, हर चैप्टर में नए नए फॉर्मूले बनते हैं, क्यों बनते हैं बताना बच्चे, क्योंकि उसके रीजंस कई होते हैं। तो यहां पे डेरिवेशन करने आएगा, तो मान लो मुझे इस पॉइंट पे कहीं पर भी किसी डिस्प्लेसमेंट पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, किसकी, ऑसिलेटिंग बॉडी की। तो क्या करेंगे जरा सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्प्लेसमेंट एक्स एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू वर्क डन टू डिस्प्लेस, जो भी बॉडी है, जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल फ्रॉम मीन टू दैट पॉइंट अगेंस्ट रीस्टोरिंग फोर्स। देखो मैंने क्या कहा, एनर्जी कभी भी डिराइव होता है किसके थ्रू, वर्क डन के थ्रू। तो अगर आया एनर्जी डिराइव करो पोटेंशियल एनर्जी का, या कोई भी एनर्जी साइंस में डिराइव करते हैं किसके थ्रू, वर्क डन के थ्रू। तो यहां पे कैसा वर्क डन, क्या वर्क डन करें ताकि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाए, किस तरह का वर्क डन, तो बताया ये गया जितना वर्क करना पड़ेगा उस पार्टिकल को यहां से कहां तक जाने में, पी तक जाने में। और आपको अच्छे से पता है, आप बहुत तेज बच्चे हो, आपको पता है कि फोर्स हमेशा किधर लगता है, अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट, पढ़ाया था ना मैंने पहले लेक्चर में, डिस्प्लेसमेंट हमेशा अवे फ्रॉम मीन होता है और फोर्स किधर होता है बच्चों, टुवर्ड्स द मीन। तो यहां पे मैंने लिखा है इसीलिए फोर्स वर्क डन जो करना पड़ेगा अगेंस्ट द रीस्टोरिंग। अब ध्यान दो, पहली बात तो वर्क डन निकालने में दो चीज को देखा जाता है कि वो जो वर्क डन हो रहा है वो बाय द फोर्स हो रहा है या अगेंस्ट द फोर्स। देखो कभी भी फिजिक्स में वर्क डन निकालते हैं तो दो चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, बस दो चीज।
कॉम्पिटिशन, ट्यूबल सब में क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सीखो। कभी भी किसी भी चीज को मूव करने में वर्क डन निकालना पड़ता है तो पहली चीज ये देखा करो उस टॉपिक में कि वहां वर्क डन बाय द फोर्स है या अगेंस्ट द फोर्स, यानी यहाँ वहां पे फोर्स आपके मोशन में हेल्प कर रहा है या आपके मोशन का अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि हम तो इधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहे हैं और फोर्स तो हमेशा इधर लगता है टुवर्ड्स द मीन। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया करो कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, फिर ये डिसाइड किया करो। तो बोलोगे सर वेरिएबल है, मैं बताऊं फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के एक्स, याद है ये तो होता है रीस्टोरिंग फोर्स। ये क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है डायरेक्टली, और फोर्स होता है अपोजिट। चलो, यानी फोर्स भी हो गया वेरिएबल डिसाइड और वर्क डन हो गया अगेंस्ट द फोर्स। दो चीज डिसाइड करना है वर्क डन में बेटा, एक क्या डिसाइड करना है कि वहां वर्क डन बाय द फोर्स हो रहा है या वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो रहा है, तो ये डिसाइड करना है। दूसरी चीज ये डिसाइड करनी है कि जो भी उस पर फोर्स लग रहा है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। क्यों बताता हूं, क्योंकि वर्क डन निकालने का अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और इनके बीच का एंगल। और जब फोर्स वेरिएबल होता है तो वर्क डन निकलता है सीधे फोर्स को क्या करके, इंटीग्रेट करके, क्योंकि वर्क डन निकालने के भी साइंस में कितने फॉर्मूले हैं, दो, कांस्टेंट फोर्स है तो ये वाला और वेरिएबल फोर्स है तो ये वाला। तो कभी भी वर्क डन निकालने की जब बारी आएगी किसी भी टॉपिक में तो दो चीज डिसाइड करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं कि वहां वर्क डन बाय द फोर्स है या अगेंस्ट द फोर्स है, पहली चीज ये डिसाइड करना। दूसरी चीज ये डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना बेटा, फिर आपको ये डिसाइड करना है कि वहां पे जो वर्क डन हुआ है वो वेरिएबल फोर्स के थ्रू हुआ है या कांस्टेंट फोर्स के थ्रू हुआ है, ये डिसाइड करना है। चलो, तो फोर्स क्या है, वेरिएबल, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, पहली बात तो वर्क डन में आगे माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है, ये ध्यान रखना, अगेंस्ट द फोर्स है तो आगे पहले क्या लगा दोगे, माइनस। अब बताओ फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, वेरिएबल है, जिसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है ये फोर्स क्या होता है यहां पर, वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेट करके, किसको, फोर्स को किसके रिस्पेक्ट में, डीएस, डीएस का मतलब वही डिस्प्लेसमेंट बोलो या डीएक्स जो बोलो, अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स मान रहे तो एक्स मान लो, वाई लेते तो वाई ले लेते, कहां से कहां मूव किए हो आप, जीरो से कहां तक, एक्स तक, जीरो से कहां तक, खत्म, यही तो समझना है। फिर से बताओ वर्क डन में आखिर हमने इंटीग्रेशन का इस्तेमाल क्यों किया, इसलिए क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है, क्योंकि एक्सपोजिशन पे डिपेंड करता है, फोर्स के बारे में मैंने पढ़ाया था ऑसिलेशन में। अब जब फोर्स वेरिएबल है तो कैसे वर्क डन निकाले, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालो। आगे माइनस क्यों लगाया, आगे माइनस क्यों लगाया बेटा, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, इसलिए आगे माइनस लगा दिया, बस। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, माइनस एफ की जगह पे क्या रख दोगे बेटा, माइनस के एक्स इंटू कितना, डीएक्स, जीरो से कहां तक बोलते जाओ, एक्स तक, बहुत अच्छा, फोर्स की वैल्यू रख दी, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस हो गया, ये तो फॉर्मूला है, इसको बंद करो ब्रैकेट में, इसको हटाओ, क्या आ गया बेटा, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन हो गया किसका, एक्स का, जीरो से कहां तक, एक्स तक, ऑब्वियसली। अब x का इंटीग्रेशन याद है, अगर अकेला dx हो जाता तो x हो जाता है, यहां dx का इंटीग्रेशन नहीं, यहां x dx है, तो मैंने क्या रूल बताया था इंटीग्रेशन में, आप भूल गए तो वो अलग बात है, k लिखेंगे, रूल ये है होता है कि x का जो पावर है, अभी x का पावर कितना है 1, तो रूल ये है कि जो भी पावर एक बढ़ा दिया जाता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 0 से कहां तक, x, इंटीग्रेशन हो गया x का, इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट। क्या होता है x के पावर n का इंटीग्रेशन, आप सब कुछ अगर बेसिक चीज नहीं याद रखोगे कैसे पढ़ोगे फिजिक्स, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है ना बेटा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n के यहां पे कितना है 1, बस फिनिश। क्या आ गया वर्क डन, k x स्क्वायर बाय 2, 0 से कहां तक, x तक। अब आप क्या पुट करोगे, लिमिट x के जगह पे पहले अपर लिमिट, x के जगह पर रखोगे तो x ही आ जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस x के यहां पे लोअर लिमिट, खत्म कहानी। क्या वर्क डन आ गया बेटा, हाफ kx स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इसको तो हटा ही देते हैं, इसको तो कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। क्या वर्क डन का फॉर्मूला आ गया बेटा, हाफ kx स्क्वायर। अब आपको याद है या नहीं याद है, आई डोंट नो,
पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद रहता है। कांस्टेंट के बारे में मैंने बताया था कि कांस्टेंट जो होता है, यहाँ पे जो के होता है उसका भी मैंने फॉर्मूला बनाया था, एम ओमेगा स्क्वायर। आप चेक कर लेना लास्ट वीडियो, कि जो फोर्स में कांस्टेंट आता है उसको मैंने बताया था वहां पे एम ओमेगा स्क्वायर बताया था, मुझे याद है, मुझे सब याद रहता है। और एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिख सकते हैं बताना जरा बेटा, याद करो, ए साइन ओमेगा टी। तब रखेंगे ना लास्ट में, आखिर एक्स क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के फॉर्म में कैसे लिखते हैं याद करो, मीन से स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी। और कॉन्स्टेंट को क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर। सब लास्ट वीडियो में जाकर देख लेना, क्योंकि जब आप आगे पढ़ रहे हो तो पिछली जानकारी लेके आनी पड़ेगी ना बेटा, ये थोड़ी कि बार बार एक ही चीज बताया जाएगा। हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में जाकर देखना। तो क्या आ गया, आप रख दो वैल्यूज को, रख दो बेटा जल्दी से वैल्यूज को रखो। तो वर्क डन आ गया, वर्क डन जो भी आया हाफ के एक्स स्क्वायर, यही वर्क डन बन जाता है आपका क्या, पोटेंशियल एनर्जी। क्या पोटेंशियल एनर्जी बन गया बेटा, हाफ हाफ के एक्स स्क्वायर। इसी को आप क्या कर दोगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ के जगह पे आप के की वैल्यू पुट करो, के जगह पे क्या रख दोगे बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और एक्स के जगह पे ए साइन ओमेगा टी। तो इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल, द बेस्ट डेरिवेशन फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स। क्या था पोटेंशियल एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है जो कई रीजन से डेवलप होती है। यहां क्या रीजन है, पार्टिकल के पोजीशन का चेंज होना लगातार। तो मान लो तुम्हें पी पॉइंट पे निकालनी है, क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी, कितने डिस्टेंस पे, एक्स। तो कैसे डिराइव करेंगे, बाय द वर्क डन। अब वर्क डन आया दिमाग में तो फटाफट दो फॉर्मूला काम किया, कि सर ने पढ़ाया था वर्क डन का फॉर्मूला, एक ये भी होता है और एक ये भी होता है। अब ये देखना है कि दोनों में से कौन सा चलेगा, उसके लिए ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो बॉडी मूव कर रही है, जो पार्टिकल चल रहा है, उस पर लगने वाला फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो हमने पढ़ाया था कि पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो डिस्प्लेसमेंट उधर होती है, फोर्स उसके अपोजिट लगता है, फोर्स हमेशा किधर लगता है, टुवर्ड्स द मीन। और ये भी पढ़ाया था कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब पहली बात, फोर्स वेरिएबल है तो ये वाला पैटर्न चलेगा, और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स है, इसलिए आगे वर्क डन में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फोर्स को क्या रख देंगे, माइनस के एक्स, माइनस माइनस प्लस के एक्स, के हो गया बाहर, एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्मूले पे जो हमने बताया था, आ गया के एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट रख दोगे, वर्क डन आ गया। सिंपल है यार, बच्चों वाला टॉपिक है, हाफ के एक्स स्क्वायर बस। अब के कांस्टेंट आप पढ़ चुके हो पिछले वीडियो में, होता है कांस्टेंट एम ओमेगा स्क्वायर, वो रख दो। डिस्प्लेसमेंट जानते हो आप, ए साइन ओमेगा टी, के जगह पे एम ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके रख दो, वही वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी बन गया। वर्क डन, जो वर्क डन आता है वही तो होता है पोटेंशियल एनर्जी, बस खत्म। तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आया, ये पोटेंशियल एनर्जी टाइम के फॉर्म में आया, और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में तो आ ही चुका है पहले, ये तो टाइम, ये तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में तो है, ये अभी किस फॉर्म में आ गया, देखो आप समझो मेरी बात को, तो मैं चाहूं तो बाद में लिख देता हूं। देखो आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, अब देखो, अब देखो बेटा, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो P इज इक्वल टू, आराम से पढ़ना, आराम से, K जो वर्क डन है वही बन गया पोटेंशियल एनर्जी, K, K के यहां पे क्या रख देंगे, एम ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आ गया फॉर्मूला, हाफ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हो गया। ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आ गया, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, X मानो Y मानो जो भी मानते। और अगर x को आप क्या रख दोगे बेटा, a साइन ओमेगा t, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। आप देखो वही फॉर्मूला किस फॉर्म में बन गया, तो पोटेंशियल एनर्जी के दोनों फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं। देखो ये मैं येलो कलर से बंद कर रहा हूं इसको, यहां से यहां तक देखो आप ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है, ये दोनों फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी। ये किस फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में, टी के, टाइम के, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था।
काइनेटिक एनर्जी बड़ा आसान था, वी वी सिर्फ वी को रखना था, ये भी आसान है, ये वर्क डन के थ्रू निकलेगा। जो भी वर्क डन करना पड़ेगा क्या करने के लिए, उस पार्टिकल को डिस्प्लेस कराने के लिए, कहां से कहां, मीन से उस पोजीशन तक। किस पोजीशन तक, जिस पोजीशन पे आप क्या निकाल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क डन की दो कैटेगरी, कॉन्स्टेंट या वेरिएबल फोर्स लग रहा था, वेरिएबल, क्योंकि यहां पर लगने वाला फोर्स क्या होता है बॉडी पे, वेरिएबल, डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा। फिर वर्क डन यहां बाय द फोर्स था या अगेंस्ट द फोर्स था, अगेंस्ट द फोर्स, फोर्स लगता है हमेशा टुवर्ड्स जमीन, बॉडी जा रही है अवे फ्रॉम मी, तो आगे माइनस लगेगा। जो वर्क डन निकल के आएगा वही पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी वहां पर। अब जो के है, के को रख दोगे, कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मैंने पढ़ाया था एम ओमेगा स्क्वायर, बस रख दो आ गया वो। ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में आ गया, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में आ गया। डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है टाइम के फॉर्म में, याद है, ए साइन ओमेगा टी, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी रख दो, वही फॉर्मूला किस में आ गया, टाइम के फॉर्म में आ गया। अब किसी ने बोला कि भैया पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम क्या होगा, तो मैंने पढ़ाया था ना बेटा मैक्सिमम के लिए जो भी साइन कॉस आया है उसे वन कर दो, क्या बचेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। किसी ने बोला कि भैया पोटेंशियल एनर्जी मीन पे क्या होगा, अरे यार जो भी डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जो भी मान रहे हो उसको जीरो कर दो एक्स को जीरो, इस फॉर्मूले में कर दो एक्स को जीरो, पूरी कहानी खत्म, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, जीरो। एक्सट्रीम पे आ जाओ, किसी ने कहा भाई साहब पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होगी, बोलोगे सर कौन सी फालतू बात कर रहे हो, एक्सट्रीम का मतलब हो गया वहां पे डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड रख दो। किसी भी फॉर्मूले को जब एक्सट्रीम पे निकालते हैं तो जो फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड रख दो, एक्स के जगह पे ए रख दो सर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां पे होती है, एक्सट्रीम पे। आपको याद है अभी दो मिनट पहले एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होती थी, अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ऑब्वियस सी बात है जब एक एनर्जी खत्म होगी तो दूसरी एनर्जी ही टोटल होगी, तो मीन पे सब की सब एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक, क्योंकि मीन पे पोटेंशियल नहीं है, और एक्सट्रीम पे पूरी की पूरी एनर्जी किस फॉर्म में बदल जाती है, पोटेंशियल, क्योंकि वहां पे काइनेटिक नहीं होती है। एमसीक्यू में सवाल आ गया एक ऑसिलेटिंग बॉडी की टोटल एनर्जी कब पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है, आप जवाब देना एक्सट्रीम पे। पेपर में आ गया कि एक ऑसिलेटिंग बॉडी की टोटल एनर्जी कब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहती है, बोलोगे मीन पे, क्योंकि मीन पे पोटेंशियल खत्म हो जाता है, और मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, वही टोटल के फॉर्म में रहेगी। ये सब कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमने जो अभी फिनिश किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे बच्चों समझ में, तो पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखना, कहां भी के आए ना, जहां भी मैं के लिखूं ना इस चैप्टर में, जहां भी के लिखूं ना मन में चलना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर, जहां भी डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई मानू ना मन में चलना चाहिए ए साइन ओमेगा टी, जहां भी वेलोसिटी लिखूं ना बेटा मन में चलना चाहिए ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, या वाई वाला फॉर्म डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्म ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बोलो वाई बोलो जो मनना है बोलो, डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई दोनों से लिखा जाता है। तो पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा काइनेटिक एंड पोटेंशियल। अब मेरे को एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दो मिनट पहले हमने पढ़ाया है, अभी चाहो तो मैं वापस ला दूंगा, फॉर्मूला यही था बस उसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था और यहां पे साइन की जगह पे कॉस था। नहीं विश्वास हो रहा है, मुझे पता है आप बोलोगे सर आप झूठ बोल रहे हो, देखो भाई सच कभी छुपता नहीं है, सच आ जा सामने भाई, सच्चाई आ जा, देखो सच्चाई सामने आ गई, आगे सच्चाई सामने, टाइम के फॉर्म में सेम है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां कॉस है और वहां क्या था साइन था, बस ये साइन था बाकी तो सब कुछ सेम था, और वहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जो भी था, यहां पे ए स्क्वायर है। तो अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं जब आपको पढ़ा चुका हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो अगर मैं अब आपसे पूछ दूं कि भाई जब मैं पढ़ाई चुका हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो लगे हाथ मेरे को टोटल एनर्जी भी बता दो, प्लीज प्लीज टोटल एनर्जी बता दो, तो बोलोगे सर कुछ मत करो सर, अरे क्या फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो, दोनों एनर्जी को जोड़ दो ना सर, टोटल एनर्जी बन जाएगी। अब दोनों को जोड़ोगे ऐड करोगे तो कौन सा फॉर्म लिया जाए, कुछ भी ले लो आंसर एक आना है, आप बताओ हम डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्म लें या टाइम वाला फॉर्म लें, जो मर्जी ले लो, डिस्प्लेसमेंट वाला ले लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्म होता था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर,
डिस्प्लेसमेंट जो भी एक्स वाई मानते हो। और पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्म आया एक्स में, अभी दो मिनट पहले ऊपर दिख रहा है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली दोनों को जोड़ोगे ना बेटा, ऐड करोगे ना, ऐड करने आता होगा, टोटल एनर्जी आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। आ गया आंसर, यही होती है टोटल एनर्जी जो मैक्सिमम होती है। कैसे आया देखो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा ये आ जाएगा खत्म, यही टोटल एनर्जी होती है। किसी ने कहा नहीं सर, नहीं नहीं डिस्प्लेसमेंट फॉर्म नहीं नहीं चलेगा, कौन सा फॉर्म लेके दिखाओ, टाइम वाला फॉर्म। बोले वो भी हम दिखा देते हैं, वो भी हम दिखा देते हैं सर। देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब मैं टाइम वाला फॉर्म ले रहा हूं इसके लिए, प्रूफ करने के लिए टोटल एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी का टाइम वाला फॉर्म होता था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और पोटेंशियल एनर्जी का टाइम वाला फॉर्म याद करो, नहीं भूल गए तो एक से आप ए साइन ओमेगा टी रख दो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। गौर से देखो आंखें खोल के, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो जब दोनों में कॉमन लोगे तो ध्यान से देखो बेटा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया वन, बच गया टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो वही तो आया, अलग तो आया नहीं, तो आप चाहे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म लेकर टोटल निकालो, चाहे टाइम का फॉर्म लेकर टोटल निकालो, फॉर्मूला एक ही आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, मीन पे सब एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में, एक्सट्रीम पे सब एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में, क्यों, क्योंकि मीन पे पोटेंशियल नहीं, एक्सट्रीम पे काइनेटिक नहीं, और जो टोटल एनर्जी होगी वो इतनी होगी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बीच में कहीं पे आओगे मीन और एक्सट्रीम के बीच में, तो वहां पे टोटल एनर्जी दोनों के फॉर्म में, बट टोटल तो फिक्स रहेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब ग्राफ आता है, एनर्जी एक बड़ा टॉपिक है, ग्राफ बताएंगे, एक आध क्वेश्चंस कराएंगे, खत्म करेंगे क्लास को। एनर्जी का एक ग्राफ आता है, अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, वो देखिए आप, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक ग्राफ आया, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाइए, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बात नहीं कीजिएगा, आप लोग अच्छे बच्चे हो। देखो एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनना, हम इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लेकर चल रहे हैं और इस एक्सिस पे हम एनर्जी लेकर चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं वही आपको बताना चाहता हूं और आप वही सुनना भी चाहते हो। एक कर्व ऐसे बनाऊंगा और एक कर्व ऐसे बनाऊंगा। बोलोगे ये क्या डब्बा बना दिया सर आपने, डब्बा नहीं है, ध्यान से सुनो क्या है ये, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, अच्छे बच्चे हो आप लोग, आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये तो हो गया आपका पोजीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट, ये तो मीन रन जीरो, यहां पे मान लो एम्पलीट्यूड राइट वाला उधर वाला, और यहां पे मान लो माइनस सी। अब मुझे बताओ मीन पे कौन सी एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल, और मीन पे कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो मीन जो कर्व मीन पे आकर खत्म हो रहा है, कौन खत्म हो रहा है, व्हाइट वाला कर्व, व्हाइट वाला कर्व खत्म हो रहा है, तो व्हाइट वाला जो कर्व है वो शो कर रहा है किसको, पोटेंशियल। और कौन सा मीन पे कर्व, कौन सा डिरिव डिस्प्लेसमेंट मीन पे कर्व एकदम टॉप पे पहुंच गया है, येलो वाला कर्व, येलो कलर वाला, तो ये जो कर्व है ये किसको शो कर रहा है, काइनेटिक। हो गया कहानी, पूरे नंबर मिलेंगे, टीचर खुश। ये कौन सा पोजिशन है, जब डिस्प्लेसमेंट आपका एम्पलीट्यूड है इधर या इधर, तो वो आप कहां पहुंच चुके हो, एक्सट्रीम पे, एक्सट्रीम पे कौन सी एनर्जी नहीं होती है, काइनेटिक। आप देख लो ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी वाला कर्व खत्म हो गया,
और एक्सट्रीम पे कौन सी एनर्जी फुल हो जाती है? पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल फुल पे पहुंच चुका है, मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा। ये ग्राफ है किसका बच्चे? एनर्जी ग्राफ, किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट के साथ। मीन पे पोटेंशियल खत्म, काइनेटिक फुल। एक्सट्रीम पे काइनेटिक खत्म, पोटेंशियल फुल, मैक्सिमम एनर्जी वाई एक्सिस पे। इज इट क्लियर? चलिए बच्चों गुड। अब किसी ने कहा सर एनर्जी का ग्राफ दो होता है, मैंने कहा भाई दो तो होता है। अब किसी ने कहा कि एनर्जी, अब किसी ने कहा कि एनर्जी टाइम ग्राफ बनाओ, प्लीज एनर्जी टाइम ग्राफ बनाओ। बोलोगे अच्छा अब एनर्जी का टाइम के साथ आप पूछ रहे हो, मैंने कहा टाइम के साथ पूछ रहा हूं। एनर्जी का कौन सा ग्राफ बनाओ? टाइम ग्राफ। तो एनर्जी का जब हम टाइम ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो अब हम जो एनर्जी शो करेंगे किसके साथ? टाइम के साथ। तो एक बात का जवाब देना, टाइम के साथ जब हम एनर्जी शो करने जाएंगे तो सबसे पहले देखो मैं टाइम के साथ शो करूंगा, देखना ध्यान से। टाइम के साथ शो कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहां पर एक कर्व को हम, मैं पर कर्व बनाया था, अभी बता दो मैं ड्रॉ कर लो, अभी बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत। अब आप एक बात को नोटिस करो जल्दी से, टाइम शो करना है ठीक है। तो टाइम शो करते हैं, या टाइम वाला है ये एनर्जी में, ठीक है। तो ये देखो जीरो टाइम, टी बाय फोर टाइम, टी बाय टू टाइम, थ्री टी बाय फोर टाइम, और ये टी टाइम। अब आप देखना टाइम में जब जीरो हो तो समझो कहां पर हो, जीरो टाइम दिखा रहा हूं तो अभी आप कहां पर हो? मीन पे। शुरुआत मीन से ही करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मीन पे हो तो जीरो डिस्प्लेसमेंट, और टाइम पे जीरो कब? जब आप मीन पे हो। टी बाय फोर के बाद एक्सट्रीम पे, टी बाय टू के बाद मीन पे, थ्री टी बाय फोर के बाद एक्सट्रीम पे, टी के बाद फुल टाइम के बाद मीन पे। मीन से चलते हैं हम, चलो मीन पे कौन सी एनर्जी नहीं होती है? खत्म पोटेंशियल। तो देखो मीन पे ये वाला कर्व खत्म है और येलो वाला कर्व मैक्सिमम है। तो इसका मतलब बोलोगे जो मैक्सिमम है ये वाला कर्व फिर सिर्फ किसके लिए है सर? काइनेटिक का है। और जो खत्म हो गया है वो वाला कर्व किसके लिए है सर? कौन सा कर्व खत्म हो गया? ये वाला। तो ये क्या है बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और कोई पॉइंट नहीं है, सिंपल पॉइंट। टाइम में देखो मीन पे कौन सी एनर्जी नहीं है? ये वाला कर्व व्हाइट वाला पोटेंशियल है। देखो मीन पे पोटेंशियल खत्म, और मीन पे येलो वाला कर्व काइनेटिक है फुल। टी बाय फोर के बाद एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पे उल्टा हो गया, काइनेटिक वाला खत्म पोटेंशियल फुल। टी बाय टू के बाद देखो पोटेंशियल खत्म काइनेटिक फुल, थ्री टी बाय फोर फिर एक्सट्रीम पे आ गए देखो काइनेटिक खत्म पोटेंशियल फुल। इसमें दो कर्व, एक काइनेटिक का है और एक पोटेंशियल का है। पिछली बार क्या था? पिछले वाले कर्व में क्या था बेटा? ध्यान से देखो पिछले वाले कर्व में वही था, दो कर्व था बट वो डिस्प्लेसमेंट के साथ शो हो रही थी एनर्जी, मीन एक्सट्रीम एक्सट्रीम। यहां सेम है, अभी भी दो कर्व हैं लेकिन अभी भी दो एनर्जी है, लेकिन अब की एनर्जी किसके साथ शो हो रही है? टाइम के साथ। बस ओवर, और कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट में जीरो है तो मीन, एम्पलीट्यूड है तो एक्सट्रीम, टाइम में जीरो मीन, टी बाई टू मीन, टी मीन, जीरो मीन, टी बाई टू मीन, टी मीन, टी बाई फोर एक्सट्रीम, थ्री टी बाई फोर एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पे काइनेटिक मत शो करना, जीरो कर देना, पोटेंशियल को फुल रख देना, और मीन पे पोटेंशियल मत शो करना, काइनेटिक फुल कर देना। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहां पर एक जैसे छोटा सा सवाल आया, एट व्हाट पोजीशन At what position? किस position पे the kinetic energy and potential energy will be same? या बोलेगा total energy, दो लैंग्वेज में पूछ सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली
वो क्या पूछेगा बेटा, ध्यान से बोलना, बोलेगा भाई बताइए आखिर वो कौन सी पोजीशन है, कब किस डिस्प्लेसमेंट पे, मतलब मीन से कितनी दूरी पे दोनों एनर्जी बराबर हो जाएगी। मतलब दोनों का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एकदम सेम हो जाएगी। या ऐसे बोल सकता है कि टोटल एनर्जी जो है वो बराबर बढ़ जाएगी, बात तो वही होगी, टोटल एनर्जी 50-50% बढ़ गई दोनों पार्ट में, तो कुछ नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बोलना चाह रहा है ये, कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहां से हाफ एम ओमेगा स्क्वायर गया, क्या बच गया बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इधर चला गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर। रूट लगा दो, रूट लगाओ तो x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, a बाई रूट टू। अब a बाई रूट टू में एक बात ध्यान रखना कि यहां पे प्लस भी लगेगा और माइनस भी लगेगा, इसका मतलब आप समझदार हो, समझ गए कि एम्पलीट्यूड का कितना, रूट वन अपॉन रूट टू टाइम्स। जब वो जैसे मान लो एम्पलीट्यूड 5 मीटर है, एम्पलीट्यूड 5 मीटर है तो मीन से 5 बाई रूट टू मीटर पे चाहे उधर चाहे इधर एनर्जी दोनों बराबर होगी। सब चीज याद रखना, समझ में आ रहा है बच्चों, आप जरा सुनिएगा। अब यहां पर जैसे क्या क्वेश्चन आता है, जरा सुनो क्वेश्चन क्या आता है, जरा सुनो यार कॉन्सेप्ट सुनो। मैंने आपके आप एक चीज आप गौर आपने नहीं किया, एनर्जी तक का टॉपिक खत्म हो गया, जितने भी डेरिवेशन मैंने कराए, जितने भी कराए, खूब कराए, खूब कराए, और हमने आपको जितने भी डेरिवेशन कराए बेटा, आपने उसमें एक चीज नोटिस किया नहीं किया शायद, मैं बताता हूं, सारे के सारे इक्वेशंस में कोई भी फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो, ये सारे फॉर्मूले या तो साइन में आ रहे थे या तो कॉस में। और एक बात ध्यान रखना, मैथ्स की चीज बता रहा हूं मैं, साइन का ग्राफ देखा है कैसे बनता है, हाँ सर देखा है ऐसे बनता है, कॉस का ग्राफ देखा है कैसे बनता है, हाँ सर ऐसे बनता है। ऐसे ग्राफ को हार्मोनिक ग्राफ कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन, साइन कॉस आर कॉल्ड, एक नई बात बता रहा हूं मैं, हार्मोनिक फंक्शन, हार्मोनिक का मतलब म्यूजिकल, म्यूजिक के बीट्स देखें ऐसे ऐसे जाते हैं ऐसे। तो मैथ्स में साइन और कॉस को हम हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शंस कहते हैं, हार्मोनिक फंक्शंस, बिकॉज दे आर लाइक अ हार्मोनिकल म्यूजिकल ग्राफ। तो इसलिए ऑसिलेशन को हम एक नया नाम देंगे आज, इसका नामकरण हो रहा है, पार्टी वार्टी होनी चाहिए, इसका नया नाम पढ़ने जा रहा है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक, SHM, शॉर्ट में SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SH। तो अब मैं कभी कभी SHM बोल दू ना, समझ जाना, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑसिलेशन। Why oscillation is called simple harmonic motion? Why it is called harmonic motion? Because the all equation of oscillating body, displacement, velocity, acceleration, energy, all equations comes in form of sine and cos. And sine and cos are called harmonic function. That's why it is also called harmonic motion. अब short में मेरे मुंह से SHM निकलेगा तो नाराज मत हो जाना, oscillation की ही बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है, पूरा विश्वास है आप लोगों पे कि आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हमने आपको पूरी एनर्जी फिनिश कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक में कोई कंजूसी नहीं बेटा, शेयर भी आगे करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।